हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल सक्सेस मंच में। तो आज हम करेंगे 1920 जुलाई 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि एसएससी, सीजीएल, बैंक, सीएचएसएल, एमपीपीसीएस, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, रेलवे और अदर स्टेट के पीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने इतना कर लिया तो इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की और ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमारे चैनल पर बहुत सारे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी मेंस से रिलेटेड टॉपिक GS 1, 2, 3, 4 चलाए जा रहे हैं। प्लस ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम 30 दिन का जो क्रैश कोर्स है रिवीजन का, वो चलाया जा रहा है। प्लस करंट अफेयर्स तो चल ही रहा है आपके सामने, डेली ब्रेन बूस्टर के क्विज चलाए जा रहे हैं, इतिहास के क्वेश्चन आज का चलाए जा रहे हैं, और भी बहुत कुछ है हमारे चैनल पे जिसको आप टाइम टू टाइम देख सकते हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा? आपके सामने ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, प्रधानमंत्री स्वनिधि जिसे कहते हैं, योजना के तहत रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों को छोटी राशि कर्ज के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उसे अपने व्यवसाय जारी रखने में मदद मिलेगी। तो ये मध्य प्रदेश राज्य जो है वह यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पे है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, राज्यपाल लालजी टंडन है, और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं अजय कुमार मित्तल। लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, और विधानसभा की 230 सीटें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है? भारतीय रेलवे ने, डीआरडीओ ने, रक्षा मंत्रालय ने, या इनमें से कोई नहीं? तो ये किया है भारतीय रेलवे ने। भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाई रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला ने इस नए पोस्ट कोविड कोच को विकसित किया है। अब इंडियन रेलवे की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को, मुख्यालय है नई दिल्ली में, रेल मंत्री हैं इस समय पीयूष गोयल, और रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं जॉन मथाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस एयरपोर्ट पर भारत की पहले संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है? तो ये बनाई गई है हैदराबाद के एयरपोर्ट पे। पार्किंग का भुगतान सीधे प्रीपेड खाते से लिंक रिलोटेबल इलेक्ट्रॉनिक रेडियो फ्रीक्वेंसी और डिटिफिकेशन टैग का उपयोग करके किया जा सकेगा, जो पार्किंग शुल्क के स्वचालित भुगतान को सक्षम बनाएगा, मतलब कि अपने आप इसका भुगतान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने AP-STAR-6D दूर संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो ये किया है चीन ने। चीन ने अपने 11th चांग सैटेलाइट लॉन्चर से लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट के जरिए AP-STAR-6D दूर संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रेक्षण कर लिया है। कमर्शियल उपग्रह AP-STAR-6D को चाइना अकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने डिजिटल शिक्षा के लिए कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है प्रवेश, प्रयास, प्रज्ञाता, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है हमारा प्रज्ञाता। ये नया डिजिटल शिक्षा के लिए दिशा निर्देश है, तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग ध्यान रखेंगे। दिशा निर्देशों के अनुसार प्राइमरी से पहले के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं 30 मिनट से अधिक की नहीं होनी चाहिए। इसमें ये एक दिशा निर्देश है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट आपको ये प्रज्ञाता ऐप ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा के लिए नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं ब्रेट ली। स्पोर्ट्स अड्डा एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है, जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़ी सभी ताज़ा जानकारी, अपडेट और आंकड़े प्रदान करता है। ब्रेटली ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 221 वनडे, 76 टेस्ट मैच, तो 25 T20 अंतर्राष्ट्रीय में कुल 718 विकेट लिए हैं। तो ये ब्रेटली के बारे में इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री इलिस फाकफाक ने इस्तीफा दे दिया है? तो ये है ट्यूनीशिया के। इलिस फाकफाक को जनवरी 2020 में ट्यूनीशिया का राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया था, बट रिसेंटली उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अगर ट्यूनीशिया की राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी है ट्यूनिल, मुद्रा है टुनसिया, और राष्ट्रपति है कैस सैयद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंसर टावर की एक रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा COVID-19 ट्रैकिंग ऐप विश्व में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप है? तो ये इंडिया का है ऐप जो आप सबने अपने मोबाइल में डाउनलोड कर रखा होगा, आरोग्य सेतु। रिपोर्ट के अनुसार आरोग्य सेतु जो ऐप है अप्रैल में सबसे ज़्यादा 80.8 मिलियन बार डाउनलोड किया गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा डाउनलोड करने वाला ऐप है जिसको पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया गया है। नेक्स्ट, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूची के मुताबिक भारत कम लागत में फैक्ट्री लगाने के मामले में दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो भारत है इस समय तीसरे स्थान पर, जबकि पहले स्थान पर यहाँ सबसे कम लागत में फैक्ट्री चीन लगा सकता है और दूसरे स्थान पर अमेरिका है। इस समय थर्ड पे इंडिया आ चुका है। नेक्स्ट, एक रिपोर्ट के मुताबिक BCCI ने IPL का आयोजन इस बार किस देश में करने की घोषणा की है? तो IPL इस बार होगा UAE में, लेकिन BCCI ने अभी शेड्यूल बनाया है। भारत में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, इसी वजह से BCCI ने ये फैसला लेना उचित समझा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में 2022 डकार युवा ओलंपिक को कितने साल के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये किया है 4 साल के लिए स्थगित। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रेसिडेंट इस समय है थॉमस बैच और इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 में। तो ये आप याद रखेंगे, ये GK का फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की सरकार ने हाल ही में पबजी खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये मेन न्यूज़ है, ये पाकिस्तान सरकार ने किया है। सरकार ने कहा है कि ये गेम जो है वो इस्लाम विरोधी है और इस गेम को खेलने से इसकी लत लग जाती है और साथ ही इस गेम में समय की बर्बादी भी होती है। तो ये पाकिस्तान ने कुछ सही काम किया है इतने दिनों बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की तुलना में 17 गुना तेज रफ्तार वाली हाइपरसोनिक मिसाइल को हाल ही में किसने तैयार किया है? तो ये किया है अमेरिका ने तैयार। इस हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट मार्च में प्रशांत महासागर में किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दक्षिण अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं चंद्रिका प्रसाद संतोषी। भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोषी को दक्षिण अमेरिका का देश है एक सूरीनाम, वहाँ का राष्ट्रपति चुना गया है। पूर्व न्याय मंत्री रहे प्रोग्रेसिव रिफॉर्म पार्टी के संतोखी को निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया है और सूरीनाम जैसा देश है वहाँ पे सबसे ज़्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं। सूरीनाम की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है पैरामारिबो और सूरीनाम डॉलर यहाँ की करेंसी है। हाल ही में किस राज्य की पहली महिला निर्वाचन आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन हो गया है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र। ये 1972 बैच की IAS अधिकारी थी। इन्हें राजस्व विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में उनके संक्षिप्त कार्यकाल के बाद 2009 में महाराष्ट्र के राज्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। चलिए अब महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र की राजधानी सभी को पता है मुंबई, मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं दिबांकर दत्ता। लोकसभा में 48 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं और विधानसभा में 288 सीटें हैं महाराष्ट्र राज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने गुमशुदा बच्चों की तलाश करने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है? तो ये ऑपरेशन मुस्कान पहले मध्य प्रदेश में लागू हो चुका है, लेकिन इस समय जो किया है वो आंध्र प्रदेश सरकार ने किया है। चाइल्ड लेबर से बच्चों को आज़ादी दिलाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई है और इस ऑपरेशन का नया नाम ऑपरेशन मुस्कान COVID-19 रखा गया है। चलिए आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना हुई है 1 नवंबर 1956 में। राजधानी है अमरावती और हैदराबाद। मुख्यमंत्री हैं जगनमोहन रेड्डी। राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। और लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा में 175 सीटें हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने टैंग मास जनजाति के ऊपर पुस्तक लिखी है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है इसका अरुणाचल प्रदेश। एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि द टैंग मास, ये जो पुस्तक है, अरुणाचल प्रदेश की विलुप्त होती समुदाय की भाषा
टंगमस पर आधारित है, जो अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग जिले के कोगिंग गांव में रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया है? ऑप्शन हैदराबाद, नई दिल्ली, जयपुर या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है हैदराबाद। और ये भी याद रखेंगे कि राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र भी हैदराबाद में ही स्थित है, इसलिए आयोजन भी वहीं किया जाएगा। हैदराबाद की जो राजधानी है वो हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किसने USIBC 2020 का ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जीता है? तो ऑप्शन है जिम टाइकलेट, एन चंद्रशेखरन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ए और बी दोनों, इन दोनों ने जीता है USIBC का 2020 का लीडरशिप अवार्ड। ये पुरस्कार भारत अमेरिका ट्रेड और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए ये जो इस समय जो चल रहा है उसमें प्रदान किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल हाल ही में किस शहर के एम्स में किया गया? तो ज्यादातर लोग इसका आंसर दिल्ली लगा के आएंगे, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पटना। बिहार के पटना के एम्स ने भारत की पहली कोरोना वैक्सीन कोवासिन का हाल ही में ह्यूमन ट्रायल किया गया। इससे पहले और दूसरे चरण के ट्रायल में करीब 90 दिन लगेंगे। ट्रायल के बाद सामने आ गए आंकड़ों को ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया के पास भेजा जाएगा। तो अभी बहुत सारे प्रोसीजर बाकी हैं, बट अगर पहले चरण का काम शुरू हो गया तो फिर एंड तो होगा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ताओं को भ्रामक विज्ञापनों से बचाने के लिए सरकार ने कब नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 लागू करने की घोषणा की है? तो ये की है 20 जुलाई, मतलब की जिस दिन आप न्यूज़ सुन रहे होंगे उसी दिन। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जिसके लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट में हाल ही में कितने जजों की स्थायी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? 5 की, 7 की, 9 की या 11 की? तो ये की है 9 जजों की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाई कोर्ट में हाल ही में पंजाब व हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व कलकत्ता हाई कोर्ट के 9 जजों की स्थायी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इन न्यायाधीशों में जस्टिस मंजरी नेहरू पॉल, जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी, जस्टिस अरुण मोंगा और अन्य जज शामिल रहेंगे। IPL की शुरुआती 8 टीमों में से एक डेक्कन चार्जर्स को गलत तरीके से हटाने के लिए BCCI पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो उस पर लगाया गया है 4,800 करोड़ रुपए का जुर्माना। बॉम्बे हाई कोर्ट ने लंबे समय से चल रहे इस विवाद के कारण ये फैसला डेक्कन चार्जर्स फ्रेंचाइजी के पक्ष में सुनाया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1992 बैच के IFS अधिकारी विक्रम दुरई स्वामी का हाल ही में किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किए गए हैं बांग्लादेश के। वे अभी अतिरिक्त सचिव के तौर पर कार्यरत है, इससे पहले वो भारत प्रशांत मामले देख रहे थे। चलिए आगे देखते हैं, भारत और किस देश ने जयगांव और पसाखा के बीच एक नया व्यापारिक मार्ग खोल दिया है? तो ये खोला है भूटान और भारत के बीच में। भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल के जयगांव और भूटान के पसाखा के बीच एक नया व्यापारिक मार्ग खोला है, और इस व्यापार मार्ग के खुलने से द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। तो आज के क्वेश्चन यही खत्म होते हैं। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे अपनी वीडियो के बारे में पता चलता है। और कुछ व्यूवर्स हैं जो लगातार मेरी वीडियो पे कमेंट भेज रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।